दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों के वितरण तथा वृद्ध जनों, निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को पेंशन स्वीकृति पत्र एवं कंबल वितरण कार्यक्रम एवं विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस के समीप नुमाइश ग्राउंड पर किया गया। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, शीतल पांडे, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा नेता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, राहुल श्रीवास्तव, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, डीएम के विजेंद्र पांड्यन, सीडीओ अनुज सिंह, दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में दिव्यांग और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों को उपकरणों तथा वृद्ध निराश्रितों, महिलाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन स्वीकृत पत्र एवं कंबल वितरण के साथ विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कुल 923 लाख की लागत की कुल 112 परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं। इसके अलावा सीएम ने कुल 31,549 नई पेंशन स्वीकृत पत्र का वितरित किया, जिसके अंतर्गत 19,330 वृद्धा अवस्था पेंशन, 10,694 निराश्रित विधवा पेंशन तथा 1,525 दिव्यांग पेंशन का स्वीकृत पत्र तथा 1,990 कृत्रिम अंग उपकरण वितरित किया, जिसमें से लगभग 20 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से स्वीकृति पत्र एवं उपकरण वितरित किए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने शादी अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के 366 सामान्य वर्ग के 56 एवं पिछड़ा वर्ग के 930 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित की है। योजनाएं गरीबों के हित में बनाई जाती है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 69,604 वृद्धा अवस्था पेंशन, 45,836 विधवा पेंशन, 22,797 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और इसके अलावा 31,549 नए लाभार्थियों को विभिन्न पेंशन से आच्छादित करने हेतु स्वीकृत पत्र आज वितरित किया गया है और पहली बार एक साथ गोरखपुर में 140 दिव्यांगों को मोटर साइज ट्राईसाइकिल, 300 ट्राईसाइकिल, 200 व्हीलचेयर, 400 बैसाखी, 50 ब्लाइंड छड़ी, 400 कान की मशीन, 500 कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर बदल रहा है, यहाँ एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है जिसका कार्य शीघ्र ही पूरा होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ एक अत्याधुनिक वाटर स्पोर्ट्स तथा प्रेक्षागृह की स्थापना की जा रही है जिसका कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। रामगढ़ताल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का पर्यटन केंद्र बनेगा। विकास की योजनाएं गोरखपुर को एक अलग पहचान दिलाएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होता हुआ हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली है के साथ मंच पर मुख्यमंत्री महोदय का सादर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। नव वर्ष मंगलमय रहे, नव संकल्प का उत्कर्ष रहे। मंच पर विराजमान शासक उत्तर प्रदेश सनातन धर्म की परंपरा को कायम रखते हुए ईश्वर को साक्षी मानकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन अग्रसारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभ करोतु कल्याण के साथ यह नवल वर्ष संपूर्ण समाज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के यह अत्यंत हर्षोल्लास का वितरण साथ ही साथ हमें श्री विपिन सिंह सर से ही सादर अनुरोध है कि स्वागत भाषण के लिए कृपया मंच यह रिकॉर्ड है साथियों। इसी तरह से उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीबों को गैस कनेक्शन निःशुल्क दिया गया। साथियों आप देखें बिजली में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। इससे पहले की सरकारों में 6-7 घंटे से अधिक बिजली नहीं आती थी, अब तो बिजली कब जाती है साथियों आप बताओ। बहुत ही बिजली के मामले रचनात्मक सुधार हुआ है। हम पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से पूज्य महाराज जी जब सांसद की हैसियत से गोरखपुर की जिम्मेदारी आपको मिली, उससे पहले से गुंडे माफिया जहां राज करते थे सबकी ऐसी की तैसी हो गई साथियों। या नहीं तो सुधर गए या नहीं तो भाग लिए। उसी तरह से जब
पूज्य महाराज जी प्रदेश की कमान संभाले। साथियों, पूरे प्रदेश में सारे अपराधी या नहीं तो जेल में है, या नहीं तो परलोक सिधार गए हैं, या नहीं तो प्रदेश छोड़ दिए हैं। यह ऐतिहासिक सुधार है साथियों। पूज्य महाराज जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबके तरफ से, गोरखपुर ग्रामीण की जनता की तरफ से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। बहुत सही। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि कल ही उन्वल में नगर पंचायत के उद्घाटन के तदुपरांत आज हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मिस्टर प्रमोद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बर्तनों से मोटराइज्ड साइकिल का वितरण। सबसे पहले प्रमोद शीतलहर ने कंबल वितरण के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्मणों से मिस्टर प्रमोद, ठीक उसके पीछे मिस्टर फिरोज हुसैन मोटराइज साइकिल हमारे दिव्यांगजनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्मणों से समाज में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए फिरोज हुसैन मोटरसाइकिल वितरण के साथ साथ शीतलहर में कंबल वितरण। उसके पीछे मीरा देवी, इधर देखिए, इधर चेहरा ढक जा रहा है। आज इस हमारे ग्राउंड पर मीरा देवी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मोटराइज ट्राइसिकल ठीक पीछे। उसके बाद संगीता जी, मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आने वाली
नागरिकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सौजन्य से योजना दी गई है। इसके बाद निराश्रित विधवा पेंशन योजना में मुरादी श्रीमती परनी श्रीमती बिजली। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, श्री डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, प्रदेश मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश निषाद जी, इंजीनियर पीके मल जी, आनंद साही जी, रामभुवाल कुशवाहा जी, उदय भान सिंह जी, हरिप्रकाश मिश्रा जी, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, प्रदीप शुक्ला जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, जवाहर कशोधन जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर जनपद के गांव गांव से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पूरा जगह लीजिए सर। यहां पर एक साथ बहुत सारी योजनाओं को हम गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें यहां पर आज 1990 कृत्रिम अंग उपकरण वितरण किए जा रहे हैं, 19,330 वृद्धा पेंशन नई स्वीकृत करा करके उसको उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है, 10,694 निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन एक साथ यहां पर स्वीकृत किए जा रहे हैं और 1,525 दिव्यांग पेंशन यानी कुल 31,549 नई पेंशन की स्कीम यहां पर एक साथ यहां पर आपको स्वीकृत करके उपलब्ध कराने के साथ ही 112 परियोजनाएं जो गोरखपुर महानगर और जनपद के विभिन्न गांवों से जुड़े हुए हैं, पिछले 1.5-2 वर्ष से सब योजनाएं लंबित थी या इसकी मांग की जा रही थी, ये सब एक साथ आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोकार्पण का कार्यक्रम, नई पेंशन की योजनाओं को स्वीकृत होना और दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण का वितरण होना, इतनी सारी योजनाओं का एक साथ यहां पर आज हम लोग गोरखपुर वासियों को प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति इस नव वर्ष की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सब जानते हैं कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने देश के अंदर विकास का केंद्र बिंदु समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति के लिए बनाया, जिसको अब तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। शासन की योजनाएं जाति के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि गरीब को ध्यान में रखकर, किसान को ध्यान में रखकर, नौजवान को ध्यान में रखकर, महिलाओं को ध्यान में रखकर, दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर के पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के रखी गई और उसी का अनुसरण करते हुए
जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। गोरखपुर जनपद में अब तक हम लोग 69,604 वृद्धा पेंशन उपलब्ध करा रहे थे, 45,836 विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ दिला रहे थे और 22,797 दिव्यांग जनों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही थी, यानी कुल 1,38,237 लोगों को इस योजना का लाभ हम लोग गोरखपुर जनपद के अंदर उपलब्ध करा रहे थे। अब नए जो इस पेंशन की योजना स्वीकृत हुई, हम लोगों ने इस बारे में पहले ही कहा है कि कोई भी पात्रता की श्रेणी में वृद्धा हो जिसका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए और पूरे प्रदेश के अंदर हर ऐसे वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिले। एक मुश्त सारी राशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं और उसी क्रम में आज गोरखपुर में 19,330 ऐसे वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन जो नई स्वीकृत हुई है उसका लाभ आज यहां पर प्रदान किया जा रहा है। मैं इन सभी वृद्धजनों को हृदय से इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर गोरखपुर जनपद के अंदर पूरे प्रदेश के लिए ही हम लोगों ने व्यवस्था लागू की, जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं पहले विधवा महिला के लिए एक व्यवस्था थी कि 60 साल से ऊपर की होने के बाद ही उन्हें विधवा महिला का पेंशन का लाभ मिल पाता था। हम लोगों ने आयु सीमा समाप्त की, विधवा का मतलब विधवा है और कोई भी विधवा अगर वह किसी भी उम्र की है उसको इस योजना का लाभ मिलना ही चाहिए और इस दिशा से हम लोगों ने इस योजना का लाभ देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर हर निराश्रित महिला के लिए पेंशन की योजना स्वीकृत करते हुए उनको यह योजना उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। गोरखपुर में अब तक 45,836 निराश्रित महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलना था, यहां पर 10,694 हम लोग नई पेंशन योजना यहां पर लागू कर रहे हैं, इन लोगों को भी इस योजना का लाभ यहां पर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ दिव्यांग जनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर दिव्यांग जन को पेंशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। विगत दिनों हम लोगों ने दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है, 300 रुपए से इसे बढ़ा करके 500 रुपया किया और यह अब तक 22,797 परिवारों को दिव्यांग जनों को इस पेंशन का लाभ मिलना था। हम लोगों ने 1,525 नए दिव्यांग जनों को भी इस सुविधा का लाभ देने का कार्य किया है। इस प्रकार से 31,549 नई पेंशन योजना आज यहां पर स्वीकृत की जा रही है और इसके साथ ही अब गोरखपुर जनपद में वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जनों की पेंशन 1,69,786 नागरिकों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इतने लोगों को शासन की पेंशन योजना का लाभ सीधे मिलने के अवसर पर मैं इन सभी लोगों को, इन सभी नागरिकों को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, इनके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। इसके साथ ही हम लोगों ने दिव्यांग जनों के लिए समय समय पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम भी कैंप लगाए हैं, ये लगातार चलते रहे हैं। लेकिन पहली बार गोरखपुर में पहले हम ट्राई साइकिल देते थे, व्हील चेयर देते थे, ब्रेन स्टिक देते थे, हेयर एड देते थे और भी तमाम प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण वितरित किए जाते थे, लेकिन पहली बार यहां पर ट्राई साइकिल के लिए 140 ऐसे दिव्यांग जन हैं जिन्हें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का मतलब अब वह भी अपनी ट्राई साइकिल को स्टार्ट करके और कहीं भी ले जा सकता है। मैं बार बार देखता हूं
बहुत सारे दिव्यांग जन अपने हाथ से ट्राई साइकिल को चला चला करके बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको बार बार कहता हूं कि बहुत दूर मत जाया करो। लेकिन अब मोटराइज जब उनके पास ट्राई साइकिल हो जाएगी तो कोई भी दूरी उनके लिए अब दूरी नहीं, कोई भी जगह उनको जाना हो तो अब दूरी उनके लिए दूरी नहीं रह जाएगी, क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल से लोग चले जाते हैं ऐसे ही ट्राई साइकिल भी उन्हें बहुत अच्छे स्थान तक ले जाने में सहायक होगी, और साथ साथ हर गली हर मोहल्ले में उन्हें जाने के साथ ही उन्हें वहां पर अपना व्यवसाय उसी मोटराइज ट्राई साइकिल के साथ अपने व्यवसाय को भी वे आगे बढ़ा सकते हैं, और इस इससे 140 ऐसे दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राई साइकिल हम लोग आज यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। 300 ट्राई साइकिल अन्य दी जा रही हैं जिन्हें हाथ से लोग चलाएंगे, 200 व्हीलचेयर, 400 बैसाखी, 50 ब्लाइंड स्टिक, 400 हेयरिक कान की मशीन और 500 अन्य कृत्रिम अंग आज यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये जो कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो शेयर है इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण अपनी निधि से भी धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं। जो 16,80,000 रुपए अतिरिक्त हम लोगों को मोटराइज साइकिल के लिए देना पड़ा है, या हमने यहां पर जो एमएलसी निधि का पैसा था उससे उपलब्ध करवाया है, जिससे इतने लोगों को सुविधा मिल पाई है, और मैं अपने सभी माननीय विधायकों से कहूंगा कि वे लोग अपनी निधि से भी अगर 25% पैसा उपलब्ध करवा देंगे तो अधिक से अधिक दिव्यांग जनों को हम मोटराइज ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने में भारी मदद मिल सकती है और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। इसके साथ ही यहां पर 112 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है, जिसमें वाचनालय है, पुस्तकालय है, रेन बसेरा है, अंत्येष्टि स्थल है, सड़कों के निर्माण के कार्य हैं, और भी तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं पिछले 2-3 सालों से जो लंबित पड़े हुए थे। इसमें कहीं परमिशन नहीं मिल पा रही थी, कहीं पर कोई अन्य अड़चन थी, लेकिन आज इन सभी अड़चनों को दूर करके 112 इन परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर एक साथ संपन्न किया जा रहा है। इससे 112 गांव या मोहल्ले ऐसे होंगे जिन्हें इन योजनाओं का सीधे सीधे लाभ प्राप्त होगा, और इससे आज आप सबको इतनी योजनाओं का लाभ प्रदान करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पहली बार यह नुमाइश ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और इस बड़े कार्यक्रम के साथ ही इतने लोगों को एक साथ, हजारों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ यहां पर प्रदान करने की कार्रवाई भी एक पूर्ण कार्य के साथ ही, नुमाइश ग्राउंड का नाम भी इसके साथ चल पड़ा है, और इसलिए इस अवसर पर इस नए ग्राउंड पर इस नए कार्यक्रम के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार देश के अंदर विकास की योजनाओं को पूरी गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सबका यह मानना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास होना चाहिए और बिना भेदभाव के होना चाहिए। हमारा यह शरीर का कोई अंग अगर कमजोर हो जाता है तो शरीर दिव्यांग कहलाने लगता है। हम इस समाज को और अपने देश को दिव्यांग नहीं बना सकते, और इसके लिए आवश्यक है कि विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव कहीं नहीं होना चाहिए। विकास की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, और इसीलिए इन योजनाओं को बिना भेदभाव तक के आप सब तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। इसमें न जाति देखी जा रही है, न किसी का मत और मजहब देखा जा रहा है, न किसी की पार्टी देखी जा रही है। केवल एक ही लक्ष्य है कि विकास की योजना का लाभ जब भी समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त होगा तो विकास की वो योजना उसके जीवन स्तर को एक नई गति देगा,
और उनका जीवन स्तर बढ़ने के साथ ही समाज का जीवन स्तर बढ़ेगा, समाज सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। और सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होने की इस व्यवस्था के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज एक बार पुनः मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज हम इस नए नुमाइश ग्राउंड में इस कार्यक्रम के साथ यहां पर आए हैं। यह निश्चित ही एक बड़ा अच्छा सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए गोरखपुर वासियों को यह फेड़ आपको प्राप्त हुआ है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर इससे 500 मीटर की दूरी पर हम लोग यहां के वासियों के लिए एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर गोरखपुर वासियों को उपलब्ध कराएंगे। पूर्वांचल वासियों के मनोरंजन के साथ साथ छात्र छात्राओं को और नागरिकों को प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए अत्याधुनिक प्राणी उद्यान भी लोगों को देने जा रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स का बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे बालक और बालिकाएं ऐसी हैं जो तैराकी में रुचि रखती हैं। हम वाटर स्पोर्ट्स का एक अत्याधुनिक केंद्र रामगढ़ ताल को ध्यान में रखकर के यहां पर बनाने जा रहे हैं और यह कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने जा रहा है। साथ ही साथ जब आप यहां से पैरलेगंज की ओर जाएंगे तो पैरलेगंज के बीच रास्ते में आपको एक अत्याधुनिक, एक वर्ष के बाद आपको एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह भी गोरखपुर के नागरिकों को, गोरखपुर के रंगकर्मियों को यहां पर प्राप्त होने वाला है। यानी प्रेक्षागृह ऐसा जिस प्रेक्षागृह के माध्यम से हर प्रकार के हम विभिन्न प्रकार के समाज की ज्वलंत समस्याओं से जुड़े हुए विषयों पर सेमिनार कर सकते हैं, कार्यशालाएं कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर रंग कर्मियों के लिए भी अपने अपने कला को प्रदर्शन करने का एक उचित मंच उन्हें उपलब्ध होगा। ये रामगढ़ ताल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपने देखा होगा हम लोगों ने सर्किट हाउस की ओर आने वाले इस मार्ग पर रामगढ़ ताल की ओर से बोल्डर से पिचिंग करने के साथ साथ रेलिंग लगाने का कार्य सफलतापूर्वक इसे संपन्न किया है, लेकिन शेष कार्यों को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये विकास की योजनाएं गोरखपुर को एक नई पहचान दिलाएंगे। अच्छी सड़कें हो, साफ सुथरी सड़कें हो, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट एक जैसी भी जैसी जगमगाती भी दिखाई दे, इन सब के लिए ध्यान में रख करके अच्छा शहर आपका बने, अच्छा लगे, कहीं आप जाए कोई आपके शहर में आए देखें कैसा शहर है और वह उससे प्रभावित होकर के बाद में आपकी तारीफ भी करे कि बहुत अच्छा हम गोरखपुर गए थे, बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, जाम नहीं लगता है, चौड़ी सड़कें हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था है। यह व्यवस्था अगर आप देंगे तो नाम भी आपका भी उसके साथ जुड़ेगा और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सर्किट हाउस से लेकर के एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर कुसमी और कोनी तक 4 लेन का मार्ग बने, प्रयास किया जा रहा है। सैजनवा कालेसर से लेकर के आपके सर्किट हाउस तक 4 लेन का मार्ग बने, मोहद्दीपुर से लेकर के गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक 4 लेन का मार्ग बने, जंगल कौड़िया से कालेसर तक एक 4 लेन का नया बाईपास बने। यह प्रयास भी किया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज जाने के लिए भी आपको इस 4 लेन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, असुरन से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक 4 लेन की सुविधा का लाभ मिले, कहीं भी किसी को जाम में न फंसना पड़े। एक तरफ मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जहां अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं साथ ही साथ 2020 में हम गोरखपुर वासियों को एम्स की ओपीडी की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी करेंगे, जिससे एक अंतरराष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गोरखपुर वासियों को और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो सके। यह विकास की प्रक्रिया को इसलिए बढ़ाया जा रहा है जिससे आम नागरिक के जीवन में व्यापक हम परिवर्तन कर सके और उनके जीवन में स्तर को उठा करके
उनके जीवन के माध्यम से व्यापक उनके जीवन स्तर को उठा करके हम आम नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकें। और खुशहाली लाने के लिए ही शासन ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं आप सबके लिए है, विकास के लिए है। हम विकास की एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, हर पीड़ित मानवता के साथ खड़े हों, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। गांव हो या शहर, हर ओर बन रही सड़कें इसका उदाहरण है। इससे पहले केवल गोरखपुर से लखनऊ तक फोर लेन की सुविधा थी, आज हम यहां से नेपाल के लिए फोर लेन की सुविधा दे रहे हैं, आज हम गोरखपुर से महाराजगंज के लिए फोर लेन की सुविधा दे रहे हैं, गोरखपुर से कुशीनगर, गोरखपुर से देवरिया, गोरखपुर से वाराणसी, ये सारी की सारी कनेक्टिविटी फोर लेन की होने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ वायु सेवा से गोरखपुर एयरपोर्ट जुड़े, बेहतर कनेक्टिविटी गोरखपुर के माध्यम से देश और दुनिया को जोड़ने के लिए आप देख रहे होंगे, पहले गोरखपुर से दिल्ली का किराया 12,000 से लेकर के 30,000 रुपया एक ओर का किराया लगता था, आज के दिन पर आप दिल्ली की यात्रा करेंगे मात्र 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये में ही आपको गोरखपुर से दिल्ली की यात्रा प्लेन से करने में सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी ये बदलता हुआ गोरखपुर है, एक ऐसा गोरखपुर जो कह सकता है कि हमारे यहां किसी साजिश के तहत अगर 1990 में फर्टिलाइजर कारखाना बंद होता है तो हम लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास भी होता है और फर्टिलाइजर कारखाना अगले 2 वर्ष के अंदर उत्पादन के साथ ही हजारों नौजवानों को नौकरी और हजारों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ यहां पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में लोग कल्पना करते थे, लेकिन आज साकार हुआ है। युद्ध स्तर पर एम्स का कार्य हो रहा है, हमें बीमारियों के उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, गोरखपुर में ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भी यहां पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा एम्स के माध्यम से प्राप्त होगी। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है, वहां पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और ये सुविधाएं केवल इस बात को ध्यान में रखकर जिससे आम नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, ये सुविधाएं आम नागरिक के जीवन स्तर के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके मंगल में भविष्य को ध्यान में रख करके सरकार के स्तर पर उठाए गए कदम की एक कड़ी है। और इसलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि विकास की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आगे बढ़ाया है। ये योजनाएं 1947 से तैयार हो सकती थी, लेकिन रुचि नहीं थी उस समय की सरकारों में, रुचि नहीं थी। आज हम प्रदेश के अंदर हर परिवार के पास उसका व्यक्तिगत शौचालय बना रहे हैं। ये व्यक्तिगत शौचालय उस परिवार के लिए केवल उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि ही नहीं, बल्कि नारी गरिमा की दृष्टि भी ये व्यक्तिगत शौचालय इस परिवार के लिए आवश्यक था। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 8 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दे चुके हैं। हमारा प्रयास है जो छूटे हुए परिवार हैं उन्हें भी अतिशीघ्र इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रकार से 19 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। कल ही मैं उनवल कस्बे में था, उनवल कस्बा पहली बार नगर पंचायत बना है और उनवल कस्बे में ही केवल एक कस्बे में 1207 लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है। यानी 30 करोड़ रुपए की सरकार ने वहां गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए दिए हैं। और हमारा प्रयास है जो लोग छूटे हैं इन लोगों को भी सुविधा का लाभ मिले, इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो। बिजली का कनेक्शन पहले कितनी चुनौती थी,
अर्थात प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर के हर गरीब परिवार को, हर जरूरतमंद को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। 1,20,000 परिवारों को विगत 1.5 वर्ष के अंदर 1,20,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस दौरान 94,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कार्य किया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ परिवारों को हम लोग राशन कार्ड की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा किस बारे में ध्यान रखें कि किसी भी परिवार का कोई यूनिट कम नहीं होना चाहिए और हर माह पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उस परिवार को मिलना ही चाहिए, इस बात को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब गरीबों को मिलेगा तो ही इन योजनाओं के बारे में जो शासन का हेतु है, शासन का जो उद्देश्य है, उन भावनाओं को तभी हम पूरा कर पाएंगे। और आज के दिन पर जब प्रदेश सरकार हर एक गरीब को खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी दे रही है, खाद्यान्न सुरक्षा की इस गारंटी में कोई भी परिवार बचने ना पाए, अभियान चलाकर के हर परिवार के पास एक एक राशन कार्ड हो, हर परिवार को इस राशन कार्ड की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर वर्तमान में राशन कार्ड वितरण की भी कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिन्हें प्रारंभ होना है या जिन्हें आने वाले समय में पुनः स्वीकृत करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के न केवल पुरातन परंपरा को बल्कि विकास के माध्यम से आधुनिक परंपरा के साथ उसको जोड़ने की बड़ी बृहद कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को 112 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर, शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी मात्रा में यहां पर निर्धनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को पेंशन स्वीकृत होने के अवसर पर और दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण होने के अवसर पर आप सबको एक बार पुनः मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब शासन की इन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ करके हर गरीब को इन सुविधाओं का लाभ दिलाएंगे। और दूसरा, इस बारे में भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, इस शिलान्यास की कार्रवाई के साथ ही विकास के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े, गुणवत्ता की मानक को बनाए रखते हुए युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जिससे प्रत्येक नागरिक इस योजनाओं का लाभ ले सके। आज के अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।